हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सनाए शान रक्षण। उम्मीद करते सब जगह हमारी दुआ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी जिंदगी में खुशबाद रहे। तो आज इस वीडियो पे हमें रिएक्ट करने वाली बड़ी प्यारी सी वीडियो बनने ये है, क्योंकि आज की वीडियो भी है जी ट्रेन पे। तो चलें उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाने वाली, कैसी जर्नी है जी, और इंटीरियर वगैरह कैसा है उसका। तो वीडियो का जो टाइटल है वो भी पढ़ के सुनाती हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स करके लास्ट में बताया करें आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो पर क्या रैक कैसा लगता है जी। तो है जी ट्रेन का नंबर जो है 01922 झांसी पुणे समर स्पेशल ट्रेन लें जी। गर्मियों की स्पेशल ट्रेन है जी, जर्नी इंडोर टू पुणे ट्रेन कॉम्बो। तो वाओ, ये फ्रेश वीडियो है जी भैया की, एक दिन पहले ही लगी है और समर वीडियो जर्नी होने जा रही है फुल गर्मी में। तो चलें जी देखते हैं कैसी ट्रेन है, इसका इंटीरियर कैसा है और कैसी जर्नी आने वाली है। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को प्ले करती हूँ और देती हूँ उस पर अपना प्यारा सा रिएक्शन। तो चलें आप भी हमारे साथ देखें। तो चलें, लेट्स गो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी वीडियो में। और अभी हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं समर स्पेशल ट्रेन में, जो कि झांसी से पुणे के बीच में चलाई गई है। उससे पहले बता दूं, अभी हम लोग हैं इंदौर शहर में और यहां से निकल रहे हैं उसे पकड़ने के लिए भोपाल। जो कॉम्बो मैंने बनाया है ना, वो ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि जो इंदौर से पुणे के लिए डायरेक्ट स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें टिकट नहीं था, और साथ साथ जो एक और ट्रेन चलती है इंदौर पुणे सुपरफास्ट उसमें भी टिकट नहीं मिल पाया। अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो ये दिक्कतें तो आएंगी ही। मैंने स्पेशल ट्रेन में विदिशा से टिकट कराया पुणे तक और बोर्डिंग भोपाल में कर दी और वो टिकट कन्फर्म भी हो गया। फिर यहाँ से करंट में लिया डॉक्टर अम्बेडकर नगर प्रयागराज वाली एक्सप्रेस में, जो कि वाया फतेहाबाद उज्जैन होते हुए जाती है। तो काफ़ी फास्ट ट्रेन है, 12 बजे चलेगी, 4 बजे तक पहुँचा देगी। 5:25 भोपाल से हमारी अगली गाड़ी। तो ये पूरा जो जर्नी एक्सपीरियंस है वो आपको दिखाऊंगा मैं। बाकी इंदौर में खाना पीना खाने आए थे मैंने, मल्हार भाई और श्यांश भाई ने बहुत मजे किए खाने पीने के लिए। खाना खाया एकदम टेस्टी, मतलब मजा आया, मजा आया। इंदौर का पोहा टॉप क्लास। पूरा 56 एक्सप्लोर किया, सराफा एक्सप्लोर किया नाइट में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो देख सकते हो। वीडियो सत्यम सुवर चैनल में उसे अपलोड करने वाला हूँ। खाने पीने का जबरदस्त वीडियो मैंने बनाया वहाँ का। सेकंड चीज़ आप लोगों को बता दूं, यहाँ से जब गाड़ी आएगी 12 बजे, इसमें जर्नी एक्सपीरियंस को एंजॉय करिएगा। फतेहाबाद वाला थोड़ा रूट दिखाता हूँ, फिर भोपाल चलते हैं, भोपाल से आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और अपने खूबसूरत से इंदौर शहर को अलविदा कहते हैं। यहाँ पे इंदौर पुणे स्पेशल का डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इसमें आपको 1 2 टीयर, 3 3 टीयर और 12 स्लीपर के कोच मिलेंगे। और ये गाड़ी पूरी पैक चल रही है समर स्पेशल बन के, कहीं भी कोई भी करंट में सीट नहीं निकली थी। हाँ खैर, इसमें जनरल का कोच भी है। रूट वही है इसका, रतलाम वडोदरा मुंबई होते हुए पुणे रात 3 बजे पहुँचाती है, काफ़ी ऑड टाइमिंग है। और जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं ये सुबह 11 बजे पहुँचाती है, तो ये थोड़ी टाइमिंग भी अच्छी थी उसकी, इसलिए हमने उसे प्रेफर किया। बाकी ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। पुणे स्पेशल में कुछ इशू आया हुआ है, यहाँ पे गार्ड और लोको पायलट को कोऑर्डिनेट करने के लिए अनाउंसमेंट चल रही है। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म 4 पे हैं, अनुराग भाई हमें छोड़ने हैं। हेलो, थैंक यू अनुराग भाई। और हम लोग जाने वाले प्लेटफॉर्म 1 पे ना, क्योंकि वो आती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और यहाँ पर सुविधाएँ तो हैं, सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है, 10 मिनट वगैरह भी प्रॉपर मिलेंगे। और एस्केलेटर चल रहा है क्या? चलेगा तो बस हो गया चालू। चलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी दिखाते हैं। अभी 11:42 पे ही आज की है डॉक्टर अम्बेडकर नगर यानी महू से प्रयागराज के बीच चलने वाली ट्रेन। और देखो यहाँ पे इसका जनरल वगैरह थोड़ा खाली है, पर ये गाड़ी बहुत पैक रहती है, चीज़ आपको पहले ही बता दूँ। भीड़ से आप अंदाज़ा लगा लो इसमें कितने लोग चढ़ने वाले होंगे। यहाँ पे चलते हैं कोच के अंदर, आपसे मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पे है अपनी सीट 25, 26 एंड 28। लाइट वाइट देखो क्या बढ़िया दिया है, गाड़ी चमक रही पूरी। और चार्जिंग सॉकेट देखो 3 AC में, 3 पैसेंजर के लिए इधर, 3 इधर, मतलब 6 AC भी अच्छा। साइड लोअर में देखो, साइड लोअर साइड पर दोनों के लिए चार्जिंग सॉकेट दिया है 3 AC में। आइए अनुराग भाई, भाई का भी चैनल क्या नाम है? रेल ब्लॉग बाय अनुराग। नॉर्थ ईस्ट का सीरीज काफी तगड़ा कवर किया था भाई ने। इस बार हम लोग भी मॉनसून में प्लान कर रहे हैं जाने का, भाई का वीडियो रेफरेंस में देख कर जाएंगे। अभी याद आया भैया को याद आ गया भाई, हट जाओ पहले उतर जाए करो यार, ऐसे दुर्घटनाएं होती है बहुत ज्यादा। राम राम, बाय बाय बाय। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 12 बजे हम लोग निकल चुके हैं इंदौर से।
जाना है ना तो एक नंबर प्लेटफॉर्म से यही पाथवे आपको लेकर के चल चल के 5-6 प्लेटफॉर्म तक पहुंचना पड़ेगा जो कि आगे तरफ 5 और 6 नंबर के पास देखो 5वें नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है बिलासपुर की ओर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस। और दूसरा हिस्सा भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मामना का रेखिया कुछ तो खड़ा ही होगा। इंदौर गांधीनगर शांति एक्सप्रेस के रेक खड़े हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, 12 बजे गाड़ी निकल रही है, 41 डिग्री टेम्परेचर के साथ अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे। इसका फर्स्ट एसी करने का मन कर रहा है, क्या चमक रहा है इसका फर्स्ट एसी। WAP-4 के साथ खड़ी हुई यहाँ पे इंदौर बिलासपुर नर्मदा। यार ये लेकिन भोपाल तक ही 5-6 घंटे ले लेती है गाड़ी, ये काफ़ी ऑड लगता है। रतलाम का WAP-4 है यहाँ पे। लक्ष्मीबाई नगर पार कर रहे हैं, यहाँ से देवस के लिए लाइन अलग हो जाती है, वही देवस भोपाल वाली उज्जैन होते हुए हम लोग फतेहाबाद वाले रूट से जाएंगे। और सामने योगी नगरी ऋषिकेश की ओर जाने वाली लक्ष्मीबाई नगर योगी नगरी ऋषिकेश खड़ी हुई है। शाम में जाएगी ये ट्रेन तो अभी बंद खड़ी है, आपको दिखाता हूँ रूट कहाँ से अलग होगा। राइट साइड जो देवस वाली लाइन है ना, ये देवस मक्सी होते हुए जो भोपाल जाती है, वरना देवस से उज्जैन होते हुए रिवर्स लेकर के भी जाती है, ये लाइन यहाँ पे अलग होती है। हम लोग फतेहाबाद वाले रूट पे बढ़ रहे हैं और यही रूट आगे रतलाम के लिए भी निकलता है। और मेन बात पता है क्या, यहाँ से रतलाम इस रूट से आप जाओगे तो 2.5 घंटे के अंदर पहुँच जाओगे। लोकल ट्रेनें बहुत सारी चलती हैं और एक्सप्रेस की बात की जाए तो ग्वालियर की ओर जाने वाली रतलाम ग्वालियर इंटरसिटी जो है वो भी चलती है, या अपनी गाड़ी भी है, रतलाम तो नहीं जाती पर उज्जैन तक जा रही है। काफ़ी शॉर्ट पड़ता है, पहले कंप्लीट रूट मीटर गेज का हुआ करता था। हैदराबाद से मीनाक्षी एक्सप्रेस चलती थी, हैदराबाद से मीनाक्षी एक्सप्रेस चलती थी जो कि हैदराबाद से चल करके अपना अकोला वाले रूट पर आके खंडवा, फिर वहाँ से इंदौर वाला मीटर गेज पूरा ये लेते हुए रतलाम, रतलाम से चित्तौड़गढ़ के रास्ते जयपुर के तक जाती थी ट्रेन। इसलिए जो रूट है मीटर गेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था और अभी ये ब्रॉड गेज के काम आ रहा है, काफ़ी शॉर्ट रूट पड़ता है ये। गए थे इंदौर में कहीं घूमने, कहाँ गए थे तुम, कहाँ से लाए हो? रंजीत के सामने विकास रबड़ी का, रंजीत मंदिर के सामने विकास रबड़ी से कुछ लाया, आम पाक मीठा है, मैंने बहुत बढ़िया ट्राई करूँ, कम मीठा है, सुकून एकदम गरम गरम बना था, मतलब बन के आया ही था। सर रबड़ी में आम पड़ा ऐसा लग रहा है, कलाकंद में आम, आम वाला कलाकंद रबड़ी एक ही बात होती है, देख लेते हैं आम के पीसेस भी। मेन चीज़ है कम मीठा है, कम मीठा और आम भी बढ़िया सर, आम के टुकड़े पड़े हैं, स्वाद बहुत अच्छा है। रबड़ी विद मैंगोस कुछ तो नया ट्राई करने को मिला, लेकिन अभी तीखा खाने का मन कर रहा है, देखते हैं कुछ मिलता है रास्ते में तो, वरना उज्जैन तो है ही, उज्जैन में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वाली स्पेशल चीज़ हो गई, अब रसमलाई ताज़ी ताज़ी। तो श्याम भाई कहते हैं रंजीत मंदिर हनुमान जी का, और अगली बार हम भी जाएंगे यार, ये मतलब वादा है, अगली बार इंदौर जब भी आएंगे तो उस मंदिर में ज़रूर जाएंगे। एकदम फ्रेश है यार, मेरे कढ़ाई से उतर गया, ताजी ताजी बनी थी बाहर, लेकिन मैं भाई सब पैक कर दूँ, बढ़िया है यार, इसे फिनिश कर सकते हैं। चलो निपटाते हैं मल्लार भाई और मैं इसे, और बाकी फिर मिलते हैं आपसे। फतेहाबाद चंद्रावतगंज, चंद्रावतीगंज आधे घंटे में आ गई भाई इंदौर, बहुत फास्ट भागते हुए आ रही है नॉन स्टॉप। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे गुलाब जामुन फेमस है, स्टेशन में मिलते हैं, पता नहीं गाड़ी रुकेगी दिखेगा कि नहीं। देखो एक चीज़, 12:35 का शेड्यूल यहाँ से स्किप था बिल्कुल, 12:34 को स्किप कर रहे हैं अभी हम, 12:35 हो गए, लगभग 61 किलोमीटर में हो गया इसको भाई, हो गया बहुत बढ़िया चल रही गाड़ी। ये उज्जैन से है कि पूरा, अच्छा हाँ 40 किलोमीटर हुआ है उज्जैन से, सॉरी इंदौर से, और यहाँ से उज्जैन बचा है लगभग 20 किलोमीटर बस, ओनली फास्टेस्ट। वाह अच्छा, जो लेफ्ट में स्ट्रेट रूट जा रहा है ना ये रतलाम के लिए निकल जाता है रतलाम जंक्शन, और राइट वाला रूट जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये उज्जैन जंक्शन की ओर जाता है,
हम लोग उज्जैन वाली लाइन पे पढ़ रहे हैं अभी। प्लेटफॉर्म देखो कितना बड़ा है, यहीं से डिवीजन जो है दोनों ही लाइनों का जो विभाजन है वो यहीं से हो जाता है। रतलाम वाली लाइन देखो, वहाँ कर्व लेके आगे निकल गई और हम लोग उज्जैन की ओर बढ़ते हुए। हो रहे हैं और हम लोग उस मर्जर पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे रतलाम नागदा वाली लाइन आती है और शिप्रा नदी के पहले मर्ज होती है। बस आउटर पे हमें रोक दिया गया, पता है क्यों? 11:20 पे जो पुणे एक्सप्रेस चली थी ना, इंदौर पुणे स्पेशल, वो क्रॉस होने वाली है। सोचिए वो दिवस वगैरह घूम के आई तो उसे इतना टाइम लगा है। हम लोग शॉर्टकट आए, उसी के साथ पहुँचे हैं, उसके एक घंटे बाद चल के उसके साथ साथ पहुँच रहे हैं। और यहीं पर आगे जाके मर्जर है, डिपार्चर बाद आपको दिखाऊंगा। और अगर वो गाड़ी लेट हुई तो शायद उससे क्रॉसिंग भी मिल जाए इंदौर पुणे से। बट जहाँ मुझे लगता है उसी की वजह से रुका गया, क्योंकि क्रॉसिंग होगी उसको उस साइड निकालना है। और ये बिफोर टाइम चल रही है, इसका 125 अराइवल है उज्जैन पे, तो अभी हमारे पास बहुत समय है उज्जैन जाने के लिए। ये भाई इंदौर पुणे ही ICF है, वो देखो पेड़ों के पीछे देखिए, महामना का कोच भी है। वही है इंदौर पुणे ही है। हम कितना जल्दी आ गए उससे, वो 11 बजे चली थी। एक और स्पेशल ट्रेन वहां निकाली, कटिहार मुंबई सेंट्रल स्पेशल। भाई आउटर पे खड़ा रखेंगे क्या हमको आज? गाड़ी बिफोर है तो ये 7 आवर्स लेट चल रही है। समर स्पेशल ट्रेनें ऐसे ही चलती हैं लेट, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, पर स्पेशल ट्रेन चला रही है रेलवे रश क्लियर करने के लिए। वो रतलाम वाली लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था, सामने जो निकल जाती है, इसी में अभी दोनों ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें निकली हैं। हमारी ट्रेन उनके निकलने के बाद धीरे धीरे अब जा रही है यहाँ से, शिप्रा नदी को पार करके बढ़ेंगे हम लोग उज्जैन स्टेशन की ओर। नदी में साफ सफाई की बहुत ज़रूरत है, वो हमें रखनी है और सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, जो हो गई है उसको भी साफ किया जाए कैसे भी। अच्छा कोई गाय देखो वहाँ पे खत्म हो गई लग रहा है, बॉडी फूली हुई है, हाथ पैर अकड़े हुए हैं। लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे शायद जा रही है, वैसे इंटरनेट पे एक नंबर दिखा रहा था, पर उम्मीद है मुझे कि ये 5-6 नंबर तरफ जा रही है। एक नंबर प्लेटफॉर्म खाली है फिर भी। Thank you.
लास्ट वाले प्लेटफॉर्म में यानी 5 नंबर पर ट्रेन को लिया गया है। कोई तो ट्रेन यहाँ पर खड़ी है जहाँ तक पैसेंजर होगी, और यहाँ पे गुड्स ट्रेन भी है। पे हम लोग उज्जैन जंक्शन पे एंट्री कर रहे हैं, बल्कि आधे घंटे पहले हमारी ट्रेन आउटर पे आ चुकी थी। सोचिए ये सवारी गाड़ी है, इंदौर उज्जैन, उज्जैन से पिथौरगढ़। पेंटोग्राफ देखिए डाउन होगा उसका वहाँ पे। ये देखिए लोगों वाले सर ने सिग्नल दिया था। भीड़ देखो आप लोग उज्जैन में, सभी लोगों को पता है कि उज्जैन में भीड़ क्यों होती है। महाकाल, बाबा महाकाल की नगरी में आप लोगों का स्वागत है। और भाई यहाँ पे देख लो आप, गर्मी में इस ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ चढ़ने वाली है। अगर हम लोग देवस वाली लाइन से आते हैं तो रिवर्सल होता ट्रेन का, पर यहाँ पे नहीं होगा रिवर्सल, डायरेक्ट लाइन से आए हैं। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद बढ़ जाएंगे अपने सफ़र में। हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे सीधा भोपाल की ओर, शुजालपुर होते हुए देवस वाली लाइन कट जाएगी इंदौर के लिए। अब बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा अंदर बाहर करेंगे तो तबीयत ख़राब हो सकती है। ऐसी भी जुकाम जैसे लगी रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम समर स्पेशल में जर्नी की थी मऊ वाली में, उसमें लग गई थी हीट थोड़ी सी, और इसलिए इस वाले में ज़्यादा नहीं निकल रहा हूँ। मैं जब निकला था ना फतेहाबाद से, तब से बाहर ही दरवाजे में था, अंदर गए नहीं। मुझे पता था ऐसे अंदर बाहर करने में दिक्कत होगी, 20 किलोमीटर का स्ट्रेच था। बाकी यहाँ पे आपको ब्रेड पकौड़े, चिप्स वगैरह, जिसको मिक्सर वाला लेना है, पोहे लेने हो, वो चीज़ें तो उपलब्ध हैं। अब क्वालिटी कैसी है वो आप लोग जानते ही हो, स्टेशनों में अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं, वो तय बात है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और बाकी जब भी स्टेशनों में ट्रैवल कर रहे हो साफ सफाई का ध्यान रखना, डस्टबिन का यूज़ करना आप लोग हो सके तो। और गर्मियों के टाइम पे अपने घरों की छत में, घर के आसपास पानी के कुछ बर्तन चीज़ें रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो जानवर कुछ कह नहीं पाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा आप लोग भी मदद कर दें। इंसानों को कितना पानी लग रहा है गर्मी के टाइम में, तो जानवरों का भी ख्याल रखो। गाड़ी वगैरह पार करते हो तो नीचे एक बार चेक कर लेना गाड़ी निकालने से पहले, क्योंकि जानवर छाया की तलाश में वहाँ भी बैठते हैं, बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें। चलिए अब ट्रेन के अंदर चलते हैं, अंदर से डिपार्चर देखेंगे, काफ़ी देर हो गई यहाँ पे आके बाहर रहे थे। ठंडा जूस बाकी 136 पे अपनी गाड़ी निकली है। शहन भाई का काम चल रहा है, हमें और मल्हार भाई बाहर नहीं जाएंगे अब, बहुत गर्मी। सीधा भोपाल, सीधा नाम इस ट्रेन को नॉन सुपर फास्ट होने के बावजूद मक्सी स्किप दिया गया। मक्सी से देवस की लाइन गई हुई है वो अलग बात है, लेकिन ये गाड़ी यहाँ नहीं रुकती है, क्या बात है। गर्मी है लेकिन तेज रफ्तार में बढ़िया स्किप किया ट्रेन ने। फुल ऑन 3 AC वाइप्स। तरफ जाने वाली लाइन देखो, मक्सी के बाद ही अलग हो जाती है, वो अलग निकल गई हमसे। देवस वाली लाइन दूसरी तरफ से निकल गई और हम लोग बढ़ रहे हैं भोपाल की ओर अभी, और रेस्ट मोड में भी आ ही चुके हैं अब तो, गर्मी देखते हुए।
देख लो, मैं तो एक दोपहर की नींद पूरी करने के लिए सो गया था, मेरे को पता था कि ट्रेन 4 बजे तक पहुँचेगी, तो मेरे एस्टिमेट से भी 20 मिनट पहले पहुँची है यहाँ पे। संत सीताराम रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं। वैसे 4:20 का ट्रेन का अराइवल टाइम था। गर्मी इतनी ज़्यादा है, लू चल रही है यहाँ पे स्टेशन में, और स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। यहाँ पे मल्हार भाई देखो धीरे से आते हुए, बहुत सारे लोग इस ट्रेन को यहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं। ट्रेन भोपाल जंक्शन नहीं जाती है, संत सीताराम रेलवे स्टेशन से ही विदिशा की ओर निकल जाएगी। विदिशा में भी स्टॉप नहीं है, पूरा बढ़िया इसकी जर्नी है। प्रयागराज तक होती है खजुराहो होते हुए। आप लोगों ने मेरे साथ इसकी जर्नी एक बार देखी है, जिन लोगों ने देखी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। ठंड में हमने इस ट्रेन में प्रयागराज से डॉक्टर अम्बेडकर नगर तक ट्रैवल किया था, रूट काफ़ी बढ़िया था, बांद्रा मानिकपुर सब कुछ देखने को मिला था। ये सभी चीज़ें आपको शूट में मिलेंगी। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टेशन में, यानी भोपाल जंक्शन में, और वहाँ तक चलेंगे ऑटो से, ऑटो या कैब कुछ कर लेंगे, वहाँ चल के आपसे मुलाकात करते हैं। अभी देखो संत सीताराम रेलवे स्टेशन में स्लीपर के कोचेस के आगे जल सेवा चल रही है पूरे में। बहुत अच्छा लगा गर्मी के समय में ये जल सेवा जो यहाँ पे चल रही है ना। स्लीपर भी ट्रेन के काफ़ी साफ सुथरे हैं, क्यों मल्हार भाई? स्लीपर अच्छे हैं, अंदर से क्लीन है ना। हाँ प्रयागराज एक्सप्रेस भैया बिना जाएगी, आप जा सकते हो। गर्मी के टाइम पे ये सब होना बहुत ज़रूरी है भाई, जल सेवा। चले अपनी कैब आज के जंक्शन हम लोग पहुँचे हैं लगभग 40 मिनट में, और यहाँ वैभव भाई आए हैं मिलने स्पेशली हमारे लिए खाना लेकर के, हमेशा हम लोग को खिलाते रहते हैं। और मौसम देखो आप एक बार, अचानक से जो बदला है ना, क्यों वैभव भाई? अभी तक क्या गर्मी थी, तो आग लग रही थी बस, जब सीताराम उतरे थे तो भयंकर गर्मी, अभी क्या मौसम हो गया, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, मस्त एक बार। हेलो उसके काले, और यहाँ बादल गरज भी रहे, मतलब बारिश होगी आज। एक तरफ देख लो ऐसे खुले बादल, एक तरफ काले बादल। नया स्टेशन का लुक है ना काफ़ी सही है, प्लेटफॉर्म नंबर एक तरफ को काफ़ी डेवलप किया गया है, सुविधाएं अच्छी दी गई हैं। चलते हैं अंदर, क्या हवा चल रही है भाई, मज़ा आ गया देख करके। अच्छा किसी ट्रेन की एंट्री भी हो रही है, शानदार योगी की आवाज़ के साथ। रात 10 बजे करीब इसको आना था और शाम में आ रही है ये 4:40 के आसपास। पूरा अंधेरा सा छा गया, मौसम पूरा डिप खाया है यहाँ पे, बारिश तो पक्का होगी मुझे लग रहा है आज। खुश मज़ा आएगा, बहुत राहत मिलेगी, गर्मी से राहत और जर्री में बारिश, बुधनी में बारिश, देखते हैं क्या होता है। बुधनी सूखा होगा, बारिश हो जाए बस, आपको ओ चाय वाला मिल जाएगा जो कि आपको बेस्ट टी प्रोवाइड करते हैं स्टेशन में। क्या है रेलवे में जो कंटेनर वाली चाय होती है ना, उसकी हाइजीन के जो बुरे हाल होते हैं उसके बारे में आप जानते हो, ये लोग थर्मस से सेल कर रहे हैं और चाय जो है 10 रुपए के हिसाब से बहुत बढ़िया है। कहो भाई वो बिल्कुल अपना हाथ पे अपना वो लगा के प्रोटेक्टर ग्लव्स लगा के फिर निकालते हैं, जिससे आपको पता है कि कुछ गंदगी नहीं रहेगी। नहीं एक्चुअली टेस्ट में भी थोड़ा मतलब स्टेशन की चाय से कंपेयर करें तो जमीन आसमान का अंतर है, बाकी स्वाद घर वाला है, अच्छा स्वाद है, मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी ट्रेन कार आ रहा है इसमें, यहाँ से अगर गुजर रही गाड़ी आप ज़रूर ट्राई करिए, इनके पास सैंडविच वगैरह भी है उसका तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन चाय ज़रूर आपको अच्छी मिलेगी और चाय वाकई में अच्छी सागर कह रहे गारंटी है। हाँ और उसकी डिलीवरी कैसे करवाओगे आपकी जिम्मेदारी। बेस्ट हो चुका है अभी, आधे में बादल आधे में खाली, और सामने खड़ी है कुशीनगर सुपरफास्ट LTD गोरखपुर, पूरी पैक गाड़ी, और यहाँ सामने आ चुकी है कॉन्गो एक्सप्रेस। भाई 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 साइड साइड, कॉन्गो चलती है निज़ामुद्दीन से कोयम्बटूर के बीच में, काचेगुड़ा बैंगलोर के कृष्णाजपुरम होते हुए, ये हमेशा खाली खाली सी रहती है, मतलब कभी पैक नहीं रहती फुल, ट्रैवल कर सकते हो जनरल भी उतना कुछ खास भरा हुआ सा नहीं मिलेगा आपको।
ऑसम फिर से खुल चुका है और अपनी ट्रेन का डिस्प्ले आ चुका है 01922 झांसी पुणे समर स्पेशल ट्रेन भोपाल में आने के लिए उसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। 5:15 का अराइवल टाइम था, अभी 5:24 हो रहे हैं, देखते हैं कब तक गाड़ी आती है। यहाँ पर दक्षिण एक्सप्रेस दिल्ली के लिए निकल रही है हैदराबाद निज़ामुद्दीन, जब अपनी ट्रेन आती है तो आपसे मिलते हैं। झांसी पुणे समर स्पेशल भाई, ब्लू वाला ICF कोच तो बेस्ट लगता है। साफ सफाई देखनी है कैसी होगी इसमें, 5 3-tier हैं, फिर 1 2-tier और फिर स्लीपर के कोचेस, 5 स्लीपर के कोच भी हैं। आ गई अपनी ट्रेन विद स्पेशल कोच। उतरने वालों को उम्मीद नहीं थी राइट टाइम आएगी, सब बंद करके खड़े थोड़ी भी नहीं सब है भैया की फैन फॉलोइंग है इधर। आ जाओ जल्दी आ जाओ, साइड साइड जाइए, अंदर अंदर काफी तेज निकली है भाई। क्या ट्रैक साउंड आया भाई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ICF ट्रैक साउंड सभी सबसे ज्यादा मिस करता है इस लो भाई से। रिवांचल एक्सप्रेस के रेक खड़े हुए हैं, इसमें भी ट्रैवल करना है अपने को, भोपाल से हबीबगंज के बीच में चलती है, सॉरी ये हबीबगंज से रेवा के बीच में चलती है। बढ़िया गाड़ी है, डेली ट्रेन है रिवांचल, इसमें भी ट्रैवल करना है। अपनी ट्रेन अभी एंटर कर रही है इंडिया के सबसे पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन में और यहाँ पर रुकेगी अभी, मुझे लग रहा है वैसे तो स्टॉप नहीं था पर अब रुकेगी, फीलिंग तो वही आ रही मेरे को। बारिश हुई है, मिट्टी देख लो आप लोग और स्मेल आ रही है मिट्टी से, बहुत अच्छी लगती है ये मिट्टी वाली स्मेल बारिश जब होती है उसमें। सिग्नल रेड है तो गाड़ी अपनी यहाँ रुकेगी। गॉर्डन स्टेशन में इसे क्यों कह रहा हूँ आप खुद देख के समझ जाओगे, डिस्प्ले बोर्ड देखो, बैठने की व्यवस्था देखो। तो क्या कर रहा है भाई, ये कौन सा स्टैंड कर रहा है, गाड़ी 2 मिनट के होल्ड बाद खुलते हुई और देखो मालगाड़ी का इंजन लगा तो एक्सेलरेशन देखो क्या खींचा है भाई। हेल का WDG 7 पंजाब मेन अपने को ओवरटेक करने आ रही है यहाँ पे,
यहाँ पे सिग्नल हो चुका है पंजाब मेल के लिए, जो अभी हमारी स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। कैसी लगता है उसमें? हाँ वाह, मज़ा आएगा उसमें ट्रैवल करने में। भाई ये गाड़ी नहीं, लेजेंड है, लेजेंड पंजाब मेल। सामने से आ रही है गोंडवाना या तो फिर होगी पुष्पक, टाइमिंग तो उन्हीं की थी, दिखा रहा था इटारसी में। पता नहीं कोई भी गाड़ी हो सकती है, अंधेरे में कोशिश करते देखो पढ़ पाएंगे। पुष्पक एक्सप्रेस देखो पढ़ लिया, बस ऐसी आगे की ओर लखनऊ सुबह 6:30 तक पहुंच जाएगी। 7:45 लगभग हो रहा है, हमारी ट्रेन पार कर रही है पुष्पक को आउटर पे इटारसी के। 7:15 अपना अराइवल टाइम था इटारसी, तो डिले है, बहुत लंबा चौड़ा होगा। बहुत धीरे धीरे ट्रेन गुजर, एकदम शांति से भव्य दर्शन हो रहे हैं। अयोध्या धाम भी यहाँ पे लगता है छोटा सा बनाया गया है। ये देखिए बजरंग बली जी की जय हो। वो EMU ट्रेन आती दिख रही है ना, वहीं से जबलपुर वाली लाइन है जो कि प्रयागराज जबलपुर होते हुए इटारसी में मर्ज होती है, और यही लाइन आगे मुंबई की ओर जाती है। हम लोगों ने इंदौर से इटारसी तक तो सफ़र तय कर लिया है, लेकिन आगे एक लंबा सफ़र आपका इंतज़ार कर रहा है, जहां हम लोग खंडवा भुसावल होते हुए
सुबह सुबह मनमाड पहुंचेंगे और उसके बाद अपने सफ़र को पुणे तक तय करने वाले हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। समर स्पेशल ट्रेन को प्रायोरिटी रूट में नहीं मिलती है, इसके कारण ट्रेन रास्ते में बहुत ओवरटेक्स भी खाएगी और साथ ही साथ इसे घंटों के लिए रोका जाएगा। यह आप अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और वो हिस्सा भी काफ़ी लंबा आने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में, जहाँ इटारसी से हम कुछ खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट करेंगे और कैसे खाना पीना मैनेज करने वाले हैं सभी चीज़ें आप उसमें देखोगे। जल्दी मुलाकात करते हैं नई जर्नी के साथ। बस एक सजेशन है, समर स्पेशल ट्रेन जिस रूट में ट्रैवल आप करना चाहते हो, टिकट नहीं भी मिलती है तो आप इन ट्रेनों में ट्रैवल कर सकते हो। इनमें भीड़ भाड़ बहुत ही कम होती है, नॉर्मल ट्रेन का जनरल भी पैक होता है और यहाँ पे आपको जनरल स्लीपर खाली मिल जाता है। चलिए जल्दी मुलाकात करते हैं नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लेन जी बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी थी, ये थी समर जर्नी। तो उनको भैया जी को जो था डायरेक्ट ट्रेन में टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने दूसरी ट्रेन जो है उसमें बुकिंग की है और उनका एक्सेप्ट हो गया, तो उन्होंने पहले उसमें जर्नी की है, इसलिए उन्होंने जो टाइटल है वो कॉम्बो में लिखा हुआ है, यानी कि डबल ट्रेनों में उन्होंने ट्रैवल किया। आपको अच्छी लगी है ट्रेन? चोचो भाई निकाल। हाँ जी। आपको ट्रेन अच्छी लगी है? आप जाओगी ट्रेन में बैठ के? तो इसको भी बहुत मजा है, मुझे कही थी मैंने भी ट्रेन में बैठना। तो बहुत मजे की जर्नी थी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पसंद आई होगी। मजे की थी समर जर्नी, तो गर्मियों में फिर बहुत बुरा हाल होता है और वैसे भी एसी ट्रेनें हो तो बंदा उसी में बैठा रहे, बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो चलिए वीडियो का करते हैं यही पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर मैं बहुत सारा ख्याल, आज आप लोगों ने दो ट्रेनों को एक्सप्लोर कर लिया है जी, जर्नी जो है डबल ट्रेनों की कॉम्बो देख लिया। तो चलिए आज की वीडियो लेने ज्यादा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल, हमें रखे दुआओं में याद। ओके जी, बाय बाय।